स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड में एक दिन में कोविड टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बना है। सोमवार को प्रदेश भर में 851 केंद्रों पर 1.13 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का महाअभियान शुरू कर दिया गया। इस अभियान के तहत अगले 4 दिनों तक प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मर्तोलिया ने बताया कि महाअभियान के तहत प्रदेश भर में 851 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। 30 टीकाकरण केंद्र निजी अस्पतालों में संचालित है किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत और 163 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 323 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले भी 3000 से कम हो गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,38,807 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 24,725 सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि देहरादून जिले में 60 मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 26, उत्तरकाशी में 13, अल्मोड़ा में 12, नैनीताल में 11 के अलावा अन्य जिलों में 10 से नीचे मामले सामने आए हैं। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की सभी 205 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ये कार्य 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा अधिकारी राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये पहल की है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों में युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा कृषि, बागवानी, महिलाओं और आम जनमानस के लिए लाभकारी पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्कूलों में चटाई मुक्त अभियान के संचालन के बाद पुस्तकालय का अभियान शुरू किया गया है। पुस्तकालयों के लिए उन्होंने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि भी दी है। ग्राम पंचायत में पुस्तकालय की स्थापना को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठन किया गया है। समिति में जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। बजाज शोरूम में मालिक सतविंदर पाल सिंह बजाज की नई बाइक सिटी 110 लॉन्च के मौके पर कोरोना योद्धा को सम्मानित किया गया। सतविंदर पाल सिंह ने बताया कि बाजपुर विधानसभा में कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी थी, लेकिन कुछ लोगों ने आगे आकर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए हैं। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर गन से लोगों की जांच की जा रही और दवाइयां दी गई। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए बजाज एजेंसी बाजपुर ने अपने न्यू बाइक सिटी 110 के लॉन्च के मौके पर लोगों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। महेंद्रजीत सिंह बंटी ने बजाज सेगमेंट के फर्नीचर और मजबूती के बारे में लोगों को बताया और कहा कि ये बाइक पहले से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा इस्तेमाल देने में सक्षम है। इस बाइक में बेहतर पिकअप और ज्यादा भार उठाने की क्षमता है। लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की और ऑक्सीमीटर की कमी रही और कुछ लोगों ने समाज में आगे बढ़कर बहुत अच्छी सेवा करी और उसके अब समापन जो हो रहा है उसमें भी अब लोग घर घर जाकर जो है ऑक्सीमीटर और उसका लेवल जांच रहे हैं, बुखार का, कोरोना का चेक कर रहे हैं और दवाइयां दे रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। उन लोगों को सम्मानित करने के लिए बजाज के प्रोप्राइटर के तौर पे मैंने उनको सम्मानित करने का ठाना। और इस देहरादून में कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद सोमवार को बाजार खुल गए। पहले ही दिन सड़कों पर वाहनों की भीड़ को संभालने में पुलिस पस्त नजर आई। यातायात पुलिस के साथ थाना पुलिस को भी सड़कों पर उतरकर पसीना बहाना पड़ा। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत हुई सड़कों की खुदाई भी मुसीबत का सबब बनी। कोविड कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहन ना के बराबर ही चल रहे थे, इसी के चलते यातायात पुलिस को भी कोविड ड्यूटी में लगाया गया था। अब जैसे कर्फ्यू में ढील दी गई है तो पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोशनाबाद नवोदय नगर में प्रशासन द्वारा सील की गई मस्जिद का मामला शांत नहीं हो रहा है। शिवसेना के जिला प्रमुख अशोक वर्मा ने शिवसेना का नाम घसीटे जाने पर नाराजगी जाहिर की। अशोक शर्मा का कहना है कि मस्जिद प्रकरण में शिवसेना का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई भी पार्टी को बदनाम करता है तो उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की जाएगी।
बाजपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े स्मैक तस्कर के पास से करीब 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी जामिल उर्फ बब्बन कोतवाली बाजपुर के गांव धनसारा का रहने वाला है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। सारा से लंबे समय से हमें सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ लड़के अवैध रूप से नशा और ये सब काम करते हैं, तो नियमित चेकिंग के दौरान कल हमने इसमें अभियुक्त को पकड़ा है, जिसके कब्जे से लगभग 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। कार्रवाई कर उसको मान्य न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हरिद्वार के नवोदय नगर रोशनाबाद में जुज्जर बस्ती के एक कमरे को वन विभाग का बताकर बजरंग दल ने ताला लगा दिया, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर शिकायत की। लोगों ने बताया कि हिंदूवादी संगठनों के दबाव में आकर विद्युत विभाग ने बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद भी हमको परेशान करने की नीयत से वन विभाग ने लकड़ियां चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही मामले की जांच कराकर ताले को खुलवा दिया जाएगा। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक ने कहा कि हमने अधिकारियों से मिलकर अपनी बात उनके समक्ष रख दी है, जल्द ही अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे। अन्याय नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि आप देखो कि ये मेरे सभी लोग अपने परिवार है जालकपुर का, तो मैं इनके साथ अन्याय नहीं होने। तो बस्ती के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं हिंदूवादी संगठन वही इस खबर पर संवाददाता इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार में आपसे पूछना चाहूंगी, अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई है, क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है तमाम लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो मामला है ये थाना क्षेत्र छिड़कुल के नवोदय नगर का मामला है, जहाँ एक वन गुज्जर का परिवार रहता है, जहाँ एक कमरा बना हुआ है, उसमें एक मस्जिद बनाई गई है जिसको प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने जो हरिद्वार के प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, इकट्ठे होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी की है, विरोध अपना विरोध प्रदर्शन वहां पे किया है और जिलाधिकारी से अपनी बात जिलाधिकारी सम्मुख रखी है। तो जिलाधिकारी ने संबंधित जो भी प्रकरण हुआ है इसमें जांच करने के आदेश दिए हैं कि जांच करने के बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। जी मैं आपको बता दूं कि जो ये जो सांप्रदायिक झगड़े का एक रूप यहाँ बनने का माहौल यहाँ बना हुआ है कि आरोप लगाया गया है कि जो RSS है बजरंग दल के लोगों ने इस मस्जिद को जो है तो सील कराने का काम किया है, कि प्रशासन ने जो है इन दोनों दलों संगठनों के दबाव में इस मस्जिद को सील करने का काम किया है, जिसके विरोध में जगह जगह मुस्लिम समुदाय के नेता और विभिन्न पार्टियों के जैसे किसान नेता हो गए और कांग्रेस के प्रमुख नेता हरिद्वार के हो गए, सभी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मस्जिद को दोबारा आबाद दोबारा खोले जाने की मांग लगातार प्रशासन से की जा रही है, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बाढ़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम TV।